कैसा चल रहा है सर ग्रुप डी का फिजिकल? ग्रुप डी का बहुत ही अच्छा तरीके से फिजिकल चल रहा है, जिसमें से सभी लड़के लगभग जो भी आए हैं पीटी के लिए सभी पास ही हैं। तो जैसे सर, जैसे 24 तारीख को ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है, 24 से पहले कभी भी आ सकता है, 24 से पहले आने वाला है, तो क्या है? सही टाइम है ग्रुप डी का रिजल्ट के लिए? जी बिल्कुल सही टाइम है, और टाइम जो 24 तारीख दिया है, 24 तारीख से ये पहले भी आ सकता है, 24 तारीख को भी आ सकता है, 24 तारीख को भी आ सकता है। समझ रहे, जैसे जान रहे, उसका जो पेट स्टार्ट होने वाला है 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, सभी जोन का उसी डेट क्लियर करेगा 24 के बाद। तो जैसे कम समय है, तो कम समय में बच्चा कैसे तैयारी करेगा सर? देखिए ग्रुप डी का जो आपका किलोमीटर है 1 किलोमीटर, ये ज़्यादा कोई हार्ड वर्क के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है 1 किलोमीटर, आसानी से लोग 15 दिन 20 दिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें सभी का पेट क्लियर होगा, सभी का पेट क्लियर होगा। बस यही है कि आप थोड़ा सा ध्यान से करिए, ईमानदारी से करिए, बाकी जो फैटी आदमी है, जिनका फैट है, जो मोटा आदमी है, उनके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा महत्व रखेगा, बाकी सिंपल आदमी है वो क्योंकि 24 के बाद इधर 6 दिन आ, उधर फिर 12 दिन, 18 दिन का समय मिल रहा है, 18 दिन में फिर नया ईयर भी मनाएगा सर बच्चा, तो कैसे उसको अच्छा ढंग से तैयारी हो जाए? क्या उसको अगर आपके पास वो बच्चा आता है तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा सर? बिल्कुल नया ईयर मनाएंगे, यहीं पे मनाएंगे, ग्राउंड में मनाएंगे, और ये मतलब नया ईयर मनाना है तो आपके साथ मनाना, बिल्कुल मनाएंगे उनके साथ, हमें भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सब दिन तो अपने घर परिवार के साथ मनाए हैं, एक बार कम से कम ग्राउंड में हम आपके साथ मना लें, आप मेरे साथ मना लीजिए, ये एक अलग ही माहौल बनेगा इसमें। तो अभी देख रहे हैं ढेर सारे लड़के और लड़कियां ग्रुप डी के आए हुए हैं, तो कितने वाले आपके पास अभी आ चुके हैं सर? देखिए हमारे पास 50 प्लस हैं, 50 प्लस है लगभग, लेकिन हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जिनका 45 अभी तक बोल रहे हैं कि 45 अबव है, वो आके फिजिकल कर सकते हैं। और अब 2 दिन की बात है, हाँ 2 दिन है, दो से 3 दिन में पता चल जाएगा सर रिजल्ट क्या रहेगा। बिल्कुल रिजल्ट क्या रहेगा, तो नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करें सर? नया स्टूडेंट मेन चीज़ है उनका फोकस एक्सरसाइज पे होना चाहिए, एक्सरसाइज पे, उसमें भी खासकर पेट का एक्सरसाइज, अगर पेट का एक्सरसाइज सही से कर लेते हैं और सीन पेन से बच लेते हैं, एडी पे दौड़ना बंद कर देते हैं, तो उनका क्वालिफाई निश्चित है कि हो जाए। तो जो बच्चे जैसे पटना में है वो आपके पास आ जाते हैं, जो गांव में बहुत दूर दरार है जो नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कहिएगा, कैसे तैयारी करें सर? देखिए गांव में है तो हमारे पास जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है तो बोलने वाला कम डाला हुआ और एक्सरसाइज ज़्यादा है हमारे, तो एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, देखिए सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बता दीजिए कौन कौन से एक्सरसाइज करें, जैसे गाँव में बच्चा सब रोड पर दौड़ते रहता है, रोड पर दौड़ना उचित है या नहीं? देखिए रोड पर यही है, सीन पेन का खतरा है, अगर एडी रख के अगर दौड़ रहे हैं रोड पर सीन पेन होना ही होना है, अगर सही तरीके से रोड पे भी दौड़ रहे हैं तो उनका दौड़ निकल जाएगा। और एक्सरसाइज जैसे पुशअप हो गया आपका, पुशअप करिए, मेन सबसे ज़्यादा इसमें अहम होगा एक्सरसाइज आपका रिच डाउन। कि आप लेट के उठते हैं बार बार, जिससे आपको पेट का एक्सरसाइज होता है, रिच डाउन के कई भाग होते हैं, यानी एक रिच डाउन 10 प्रकार से किया जाता है, कोई घुटना सीधा करके है, कोई घुटना फोल्ड करके है, कोई हाथ बंद करके है, कोई हाथ खोल के है, कोई लेटे लेटे है, कोई रिच डाउन से हाफ सिटिंग है, यानी इसके रिच डाउन के कई भाग हैं, पेट के लिए बहुत से एक्सरसाइज है। क्योंकि हम और भी देखे, हम अपने तरीके से देखे थे फिजिकल, तो बहुत ही गांव में देखे तो बहुत ही कम था, मगर गांधी मैदान में आपके तरफ या कहीं भी गांधी मैदान में देखे तो आप बच्चों से का पसीना पसीना कर देते हैं सर, गर्मी में ठंड में भी पसीना पसीना कर देते हैं, कितना हार्ड वर्क है, कितना भी मोटा व्यक्ति हो तो उसका फिजिकल कम्प्लीट हो ही जाएगा, कम्प्लीट हो जाता है बिल्कुल। उसमें क्या क्या स्टेप करवाते हैं सर? देखिए हमारा ज्यादा 3 एक्सरसाइज मात्र 3 चीज का, बाजू का, पेट का और थाई का, ये 3 चीज़ जिसने कर लिया वो कोई भी फिजिकल निकाल लेगा, और 3 चीज़ छोड़ के चौथा है ही नहीं, कोई स्ट्रोंग करने की जरूरत, उसी 3 में मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा उसी को मेहनत करवाते रहते हैं ना? जी उसी का, उसी को करवाते, तो नए स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो ज़्यादा हेल्दी वेल्दी है वो भी आपके पास अभी आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे देख ले सकते हैं कि 30 दिन में लोग 14 किलो आपका इंटरव्यू दिए हैं, और 14 किलो पहले जो आए थे उनका वेट उस समय उनका फेट अलग था, और अभी आप देख रहे हैं तो उनका एक साइनिंग अलग है, तो 14 किलो 1 महीना में कम किए हैं। तो हम वो तो उसका भी इंटरव्यू लिया था, देखे 1 महीने में उनका 14 kg वेट घट गया। जी बिल्कुल वेट घट गया था उनका, जैसे देखिए पहले वो 6 मिनट में दौड़ते थे, अभी 3:55 में दौड़ रहे हैं, तो उनका ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो चुके हैं। बिल्कुल क्वालिफाई हैं, और कोई सा ग्राउंड हो, कैसा भी ग्राउंड हो, उसमें से 200 मीटर का ग्राउंड हो, चाहे 400 मीटर का ग्राउंड हो, चाहे 320 का हो, उनको दौड़ना 1 ही किलोमीटर है, कहीं भी दौड़ाएगा, दिन में दौड़ाए, रात में दौड़ाए, सुबह दौड़ाए, शाम में दौड़ाए, बारिश में दौड़ाए, धूप में दौड़ाए, जब भी रनिंग करेंगे वो कहीं ना कहीं, जहाँ कहीं भी करें वो पास होंगे, पास हो जाएंगे 100%। लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियाँ कैसे तैयारी करें सर? लड़की लोग का तो और भी आसान है, आसान है, मगर वो तो लड़का लोग तो कुछ दौड़ता भी, उसका फिजिकल एक्टिविटी ठीक रहता है, मगर लड़की लोग का फिजिकल एक्टिविटी तो देखिए बहुत ही कम रहता है।
लड़की लोग का, जैसे कि हमारे मैम करवाती हैं, तब पूरा जो फिजिकल का नॉलेज लड़की के लिए है वो मैम के पास है। हम लोग लड़की के लिए जब कोई भी ज्यादा ही समस्या हो जाता है या बॉडी का समस्या हो, चाहे बेट उठाने टिप्स समस्या देना है तो टिप्स दे सकते हैं ना जी? टिप्स दे सकते हैं, बस वही है जो आपका फिजिकल में लड़का का है कि पेट का एक्सरसाइज करना है, सेम आपका भी है कि आप भी ज्यादा ज्यादा पेट का एक्सरसाइज करें जिससे आपका फिजिकल, मतलब लड़का हो या लड़की हो सेम एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है? कोई डिफरेंसेस नहीं है, सबको सबको उसी लाइन में जाना है तो दौड़ के ही जाना है, तो एक्सरसाइज चेंज कैसे हो सकता है सबके लिए? नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? हम अपने वो आए हैं, देखिए नया स्टूडेंट आ सकते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया जो भी है व्यवस्था भी आपके साथ बहुत है, बहुत बढ़िया है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स मैम है, हॉस्टल सुविधा है जो कि एक डिसिप्लिन के तहत हम लोग देख रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी लिखा हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स। जी जी जी, वो लड़का और लड़की के लिए हॉस्टल का फैसिलिटी भी है जी। ये कब से स्टार्ट किए हैं सर? ये देखिए, हम लड़का का तो पहले से नहीं था लेकिन लड़की का हम लोग पहले से कर रखे थे, तो लड़का का अभी लगभग 7 से 8 दिन हुआ है हॉस्टल ओपन करना, जो कि नाला रोड सबसे लास्ट में ठाकुरबाड़ी के पास, यानी सबसे नज़दीक अगर कोई हॉस्टल है तो मेरा ही है। चलिए ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो फिजिकल का तैयारी नहीं कर रहे हैं वो जल्द से जल्द कहीं भी जाएं मगर फिजिकल स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, फिजिकल करते रहिए, और फिजिकल करने से देखिए सबसे पहले तो आप लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो सबसे पहले माइंड फ्रेश रहता है, फिजिकल करने से ज़्यादा दिमाग बढ़ता है, कोई भी चीज़ नॉलेज का जो भी हो आपका एक सेव रहता है। तो फिजिकल बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, बड़े बड़े महामुनि हैं, बड़े बड़े आयुर्वेद हैं और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सबका कहना है कि सुबह उठ के कम से कम अपना 1 घंटा शरीर कर दीजिए, हमेशा स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिए। तो कुछ बच्चे सब कमेंट करते रहते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जिसे आपके साथ जो जुड़ने वाले बच्चे हैं उनको दिखा दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? जी 8825393818। दूसरा नंबर भी है 9279065089। आप इस वीडियो के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं, और कॉल के लिए हमारा मोबाइल 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो, जय बिहार।